नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। आज 2 दिसंबर मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी, पिचास मोक्षनी टाइम जो श्राद्ध होता है वो आज के दिन मनाया जाता है। ऐसे टाइम में जो कोई पूर्वज, पड़ोसी या हमारे फैमिली से जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो और वो अभी तक प्रेत या पिचास योनि में हो, उनकी मुक्ति के लिए इस समय तर्पण करना, इस दिन ये माना जाता है कि तर्पण करने से उनको पिचास योनि से छुटकारा मिलता है और वो नेक्स्ट बर्थ के लिए, बेस्ड ऑन प्रीवियस जन्म के कर्म जो किए हैं उनसे नेक्स्ट बर्थ के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो तर्पण जैसे हम बाकी श्राद्ध में करते हैं, ऐसे ही तर्पण के लिए स्पेशली कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ें करनी हैं। और तर्पण करके जो भी पंडितों को दान दक्षिणा और खिला सकें वो खिलाने के बाद आप जो है इस उन लोगों को उस योनि से, प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आप लोगों ने मेरे बताए हुए उपायों को फॉलो किया होगा, उससे आपको बेनिफिट नज़र आया होगा। इसी आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह भी आप लोग मेरे बताए हुए उपायों को करें, बात करते हैं सर्वप्रथम मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ्रता ने मूंगा, शुभ्रदास है तीन मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य भी प्राप्त होगा, नई नौकरी मिलने की आशा है और फिर नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की भी संभावना है। कारोबारियों के लिए भी सप्ताह उत्तम रहेगा, आर्थिक लाभ होने की प्राप्त होने की संभावना है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता जरूर मिलेगी। सप्ताह जो है प्रेम संबंधों के हिसाब से बेहद ही अनुकूल और सकारात्मक रहेगा, प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। सेहत के मामले में इस सप्ताह ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं या फिर पिताजी की सेहत में भी गिरावट देखी जा सकती है, आपको उनका ख्याल रखना है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। देखा जाए सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है, सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का जाप करें, मंदिर में मिठाई का दान करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, अपने घर के अंदर लाल पौधे पुष्प वाले पौधों को लगाकर उनकी देखभाल करें, चिड़ियों को दाना डालें, लाल रुमाल हमेशा अपने साथ रखें, गायत्री मंत्रों का पाठ करें, भाइयों का आदर सत्कार करें, वाणी पर संयम रखें, हमेशा सबसे प्यार से बातें करें, वट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं, रात को सोते समय सिर के पास स्फटिक के बल में पानी रख के सोएं और सुबह उस पानी को पेड़ की जड़ में डाल दें, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी दें और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करें। यदि ये उपाय इस राशि के जातक करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। ये सारे उपाय यदि हर राशि के जातक नहीं कर पाते हैं तो बेसिक चीज़ें जो हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको किसी को दुख नहीं पहुँचाना है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। आपको अपने आचार विचार को पॉजिटिव रखना है, किसी के साथ कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाएंगे, भगवान के प्रति आस्था रखेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में दुख आएंगे, बट उनका कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, होगा भी तो मिनिमल इम्पैक्ट होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका आने वाला सप्ताह, आपका आने वाला समय एक अच्छा समय रहे, अच्छा सप्ताह व्यतीत हो। मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।